तो आप सबसे पहले अपने एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए पेयरिंग स्कीम को लाजमी देख लीजिए और इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी कर कीजिए डियर स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकैडमी बाई अरूसा इरम डियर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर वन होता है दैट इज़ रिलेटेड टू दम सी क्यूज़ और आपके सेवनटीन मार्क्स के एम सी क्यूज आने हैं टू टू एम सी क्यूज़ आपके चैप्टर नंबर वन से ले कर सिक्स तक आने हैं मीनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन सिक्स चैप्टर से आपके ट्वेल्व एम सी क्यूज आने हैं और चैप्टर नंबर सेवन से लेके कर तक सेवन एट नाइन टेन इलेवन यहाँ से आपका एक एक एम सी क्यू आना है तो डियर स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के एम सी क्यूज की अच्छी प्रपरेशन के लिए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन उनको कीजिए और आपकी बुक में जो हाईलाइटिड चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी पढ़ लीजिए अपने एग्जाम की अच्छी प्रपरेशन के लिए नाउ वी विल डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्वेश्चन नंबर टू इसमें आपके टोटल ट्वेल्व शॉर्ट आने हैं और आपने एट करने हैं और इसको करने के लिए आपके ने चैप्टर नंबर वन टू थ्री एंड एट को प्रिपेयर कर लेना है और ये जो आपके फोर चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर वन टू थ्री और एट इन फोर चैप्टर से आपके थ्री थ्री शॉर्ट आने हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसमें से कोई सा एक चैप्टर भी स्किप कर सकते हैं तब आ, थ्री चैप्टर्स भी कर लेने से आपके जो हैं Uh, इस क्वेश्चन नंबर टू के शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो इजीली कम्प्लीट हो जाएंगे और वन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर लेते हैं इसमें भी आपको ट्वेल्व शॉर्ट गिवन होंगे और आपने एट करने होंगे और इस पार्ट को करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने अगेन फोर चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर फोर फाइव नाइन एंड इलेवन को और इन तमाम चैप्टर से आपके थ्री थ्री शॉर्ट आने हैं और यहाँ से भी आप कोई सा एक चैप्टर जो आपको टफ़ लगता है डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं तब भी आपका एक शॉर्ट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा now dear students we will talk about the question number 4 that is also related to the short questions इसमें आपने total इसमें आपको 9 दिए जाएंगे short और आपने 6 करने होंगे तो dear students इस पार्ट को करने के लिए आपने चैप्टर नंबर सिक्स को करना है यहाँ से आपके फोर शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर सेवन से थ्री और चैप्टर नंबर टेन से टू शॉर्ट आएंगे डियर स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन का वेटेज देख के पता चल रहा है कि आप इस पार्ट को अच्छे से करने के लिए आप चैप्टर नंबर सिक्स और सेवन को कर लीजिए या सिक्स और टेन को कर लीजिए तो आपका ये पार्ट इजीली कंप्लीट हो जाएगा नाउ डियर स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर के पेपर में आपके टोटल फाइव लॉन्ग दिए जाएंगे और आपने थ्री करने होंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फाइव आप uh, ने इसको करने के लिए चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर फोर को प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर नंबर वन से पार्ट ए आएगा एंड चैप्टर नंबर फोर से पार्ट बी आएगा और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर Six की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं इसको करने के लिए आपने टू चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर थ्री से पार्ट ए आएगा यहाँ से हो सकता है आपका नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए और चैप्टर नंबर फाइव से पार्ट बी आएगा डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेवन इसको करने के लिए भी डियर स्टूडेंट्स आपने टू चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर नंबर सिक्स से पार्ट ए आएगा एंड चैप्टर नंबर एट से पार्ट बी आएगा और चैप्टर नंबर एट का जो बी पार्ट है प्रोबेबली आपका नोमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर विच इज़ द क्वेश्चन नंबर एट इसको करने के लिए आपने टू चैप्टर्स को कर लेना है फ्रॉम द चैप्टर नंबर सेवन पार्ट ए आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन इसको करने के लिए भी आपने टू चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेना है चैप्टर नंबर नाइन एंड इलेवन को चैप्टर नंबर नाइन से पार्ट ए आएगा और चैप्टर नंबर इलेवन से पार्ट बी आएगा डियर स्टूडेंट्स आप के अच्छे पेपर जो हैं तभी हो सकते हैं जब आपने पूरा साल बहुत अच्छा पढ़ा हो अब तो बिल्कुल आपके पेपर्स जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम्स की रिवीजन कर लेंगे ये जो पेयरिंग स्कीम है ये आपकी ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम है और इसी को फॉलो करके आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा सो अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करें इस आ, अपने पेपर के जो हर पार्ट है शॉर्ट का उसमें एटलीस्ट वन वन आपने एक्स्ट्रा भी करके आना है अगर आपका पेपर में कोई खुदा नखास्ता कोई रॉन्ग हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा जो आपने किया होता है आपके वहाँ से मार्क्स जो हैं मिल जाते हैं और विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट ईयर Chemistry exam dear students, inshallah. In the next video, I'll also discuss the important guest questions of the chemistry. Dear students, so stay connected and stay tuned. Agar abhi za mira channel. Subscribe nahi then kindly do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arupsayram. And thank you so much for listening.